मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जहां वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और वर्चुअली ये पूरा संबोधन आपको सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। चलिए अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं, जांजगीर चांपा से ये खबर, जहां अंतिम चरण पर ऑपरेशन, राहुल किसी भी समय बोरवेल से बाहर आ सकता है। राहुल को जल्द बाहर निकाला जाएगा, कलेक्टर ने यह बयान दिया है। कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासनिक अमला मौजूद हैं। राहुल को अस्पताल ले जाने ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। कल सीएम भूपेश ने आदेश दिए थे। सीएम भूपेश पल पल की जानकारी ले रहे हैं। 92 घंटे हो चुके हैं जब बोरवेल में राहुल अभी भी फंसा हुआ है। किसी भी पल अब राहुल बाहर आ सकता है। हम कोशिश करेंगे तस्वीरें आपको दिखा सकें। वो पल उन लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण जो 92 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं राहुल को निकालने के लिए। राहुल के माता पिता के लिए क्षण बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि रो रो कर उनका भी बुरा हाल हुआ है। और राहुल, जिसकी जिंदगी किस हद तक खतरे में पड़ सकती थी अगर रेस्क्यू टीम यहां पर नहीं होती, अमला इतनी तेजी से काम नहीं कर रहा होता, पथरीली चट्टानों को तोड़ते हुए काटते हुए इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। कितनी कठिनाइयों का इन रेस्क्यू टीम ने सामना किया है, किसी से छिपा नहीं है। पल पल की तस्वीरें हम आप तक दिखाते रहे और राहुल अब किसी भी क्षण बाहर आ जाएगा। 92 घंटे से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन राहुल को सफलता मिल रही है या कह सकते हैं, और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाएगा, वैसे ही उसे अस्पताल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री खुद भी इस पर नजरें बनाए हुए हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, सीधा राहुल को यहां से निकालकर अस्पताल भेजा जाएगा। 92 घंटे, एक बच्चा 10 साल का मासूम एक सकरे से बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ का अमला यहां पर लगा हुआ है, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार बेहद संवेदनशीलता से इस मसले को ले रही है। तो जो भी महत्वपूर्ण जरूरत की चीजें थी, फिर यहां पर मशीन मंगाने के साथ ही अमले को बुलाने का काम हो, एक्सपर्ट्स को यहां पर लाने का काम हो, सब कुछ एक के बाद एक यहां पर किया जा रहा है और ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से राहुल को कोई खतरा ना हो। पानी का लेवल बढ़ रहा था, उसका भी ध्यान रखा गया। ये भी ध्यान रखा गया कि किस तरह से राहुल तक खाना, पानी और ऑक्सीजन की सही मात्रा पहुंचती रहे। सीसीटीवी के माध्यम से उसे 24 घंटे निगरानी में रखा गया और ये भी बताया जा रहा था कि पल पल राहुल से बात कर रहे हैं, उनके माता पिता बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ताकि उसे महसूस कराया जा सके कि वो बहुत बड़ी तकलीफ में नहीं है। उससे हौसला अफजाई उसकी की जा रही थी, उसे हिम्मत दी जा रही थी और अब कुछ ही क्षण में बाहर आ जाएगा राहुल। ऑपरेशन राहुल को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ी कह सकते हैं कि मशक्कत के बाद, बड़े कामों के बाद या फिर कोशिशों के बाद जाकर राहुल को बाहर निकालने का ये मिशन सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफी घंटों से मशक्कत चल रही थी और अब आखिरकार ये जानकारी के कुछ ही क्षणों में राहुल को बाहर निकाला जा सकता है। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी? बता दूं कि 5 दिन से लगातार राहुल अब बोरवेल में फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार उसमें सुरंग बनाने का काम किया जा रहा था, जिसे देखते हुए अभी की स्थिति यह है कि लगातार सुरंग बनाने का काम पूरा हो चुका है। जो बड़ी चट्टान थी उसको भी तोड़ दिया गया है और राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार उसको स्वास्थ्य को देखते हुए 2 एम्बुलेंस किया गया है, जिसे सीधा अपोलो हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। जहां निकलेगा तत्काल उसको वहां मौके में इलाज किया जाएगा। उसके बाद तुरंत कॉरिडोर भी बनाया गया है, ग्रीन कॉरिडोर, उसके माध्यम से तत्काल वहां से अपोलो भर्ती कराया जाएगा। बिल्कुल, हॉस्पिटल ले जाया जाएगा उसको। लेकिन अगर हम घंटों की बात करें तो और कितना समय लग रहा है राहुल को बाहर आने में? जी, मैं बता दूं कि लगातार टीम की कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद टीम के द्वारा सुरंग का साफ सफाई किया गया है, उसको लगातार खुदाई किया गया था। उसे देखते हुए अभी लग रहा है कम 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। फिसिंग दिया जा रहा है सुरंग में, कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ खराबी ना आए, दिक्कत ना। बिल्कुल जितेंद्र, नजर बनाकर रखिए आप, हम अपडेट लेंगे आपसे। और बहुत महत्वपूर्ण है अगर उन तस्वीरों को भी हम दर्शकों तक पहुंचा सकें जब भी वो बच्चा बाहर निकलता है, क्योंकि 80-85 फीट नीचे तक खुदाई की गई है। पूरा एक मिशन मोड पर इस जगह पर 92 घंटे में काम किया गया है और सुरंग बनाकर उस बच्चे को बाहर निकालने का काम किया गया।
काफी महत्वपूर्ण था और चैलेंजिंग भी था, न केवल प्रशासन के लिए बल्कि तमाम टीमों के लिए भी। और हम देख रहे हैं वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये भी बताया गया था कि मिट्टी ठीक नहीं है यहाँ की, पथरीली जमीन है, पत्थर को काटने के लिए, चट्टान को काटने के लिए मशीनों का उपयोग किया गया था। वो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ है पूरे 92 घंटे में, ये जितेंद्र आप बता सके हमारे दर्शकों को? तो चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, नजर बनाए रखिएगा आप, जैसे ही कोई अपडेट मिलता है हम तक पहुंचाइएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 80-85 फीट नीचे एक बोरवेल के गड्ढे में मासूम सा 10 साल का बच्चा राहुल फंसा हुआ है। 92 घंटे पूरे हो चुके हैं उसे इस गड्ढे में बिताए हुए। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, उसे किसी भी तरह खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, उससे बात की जा रही है ताकि एक उसे हिम्मत दी जा सके। उसके अभिभावक भी उससे बात कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही टीमें उससे चर्चा कर रहे हैं ताकि उसे किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा ऑक्सीजन वहां पर उस जगह पर दी जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से वहां ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है और साथ ही सीसीटीवी के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। काफी मशक्कत करनी पड़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मानी है ये टीमें और लगातार ये राहुल को बाहर निकालने के लिए सतत तरीके से काम कर रही हैं। और जो भी इन्हें जरूरत लग रही है प्रशासन भी इन्हें उपलब्ध करा रहा है, फिर चाहे वो चट्टाने काटने के लिए, पथरीली चट्टाने काटने के लिए मशीनों का उपयोग करना हो। कलेक्टर, एसपी समेत तमाम प्रशासनिक अमला इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि कैसे राहुल को बाहर निकाला जा सके। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जितेंद्र से हम जान लेते हैं। जितेंद्र, अगर वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे दर्शकों को आप बता सके और उसके अलावा अब तमाम अमला यहां पर पहुंचा है क्योंकि शुक्रवार से लेकर आज मंगलवार तक क्या कुछ यहां पर होता रहा वो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए ताकि इसी बीच में अगर राहुल के बाहर आने की खबर आती है तो हम वो भी दर्शकों को बता सकें। जी मैं बता दूं पारुल की 92 घंटे से ऊपर हो गया राहुल बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसे जिला प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकालने की कोशिश की जा रही है लेकिन एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार उसमें नजर बनाए रखे हैं और सुरंग को खोदा जा रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लास्ट एक चट्टान बच गई है जिसमें राहुल फंसा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए भारी मशक्कत करना पड़ रहा है। वो जो चट्टान जिसमें राहुल फंसा हुआ है उसको इतना बारीकी से काटना पड़ रहा है जिसमें राहुल को खतरा ना हो, ना कुछ प्रॉब्लम हो, इसे देखते हुए एकदम सफाई के साथ उसका काम किया जा रहा है। ये भी बता दें कि राहुल का स्वास्थ्य अभी एकदम सही है, स्वास्थ्य विभाग ने ये बताया है कि राहुल को खाने पीने के लिए केला दिया गया है, फ्रूटी भी दिया गया है और बात भी कर रहा है राहुल, स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द हम राहुल को निकाल लेंगे लेकिन बात ये भी है शुक्रवार से आज तक जिला प्रशासन सिर्फ घंटों घंटों की बात कही जा रही है कि हम 2 घंटे में निकाल लेंगे, 4 घंटे में निकाल लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है क्योंकि 5 दिन से लगातार राहुल उसमें फंसा हुआ है, उसकी जान कैसी है, कैसे हालत में है ये स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए। 5 दिन से लगातार नहीं निकाल पाया है, कहीं ना अनहोनी ना हो जाए, आम जनता को डर बना हुआ है, लोगों का काफी जमावड़ा हो गया है जगह पे जहाँ पर उसकी फंसा हुआ है वो, और लगातार काफी संख्या में लोग देखने उसको आ रहे हैं जिसे राहुल जल्दी निकल जाए इसे सभी लोग चाहते हैं और जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग ये बोल रही है कि जल्द से जल्द राहुल को निकाला जा सकता है। बिल्कुल जितेंद्र, नजर बना रखिएगा आप, कोई भी अपडेट होता हो तो फटाफट पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए सबकी नजरें इस मिशन पर बनी हुई हैं क्योंकि पूरे 92 घंटे हो चुके हैं जब हम देख रहे हैं कि राहुल को निकालने का जो ये मिशन है लगातार चल रहा है। और जितेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि 5 दिन से ये बच्चा इस छोटे से बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ है, किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो जाए, इसलिए किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो जाए, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस पूरे मिशन को इस मिशन पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं और बच्चे को बाहर बचा के लेकर आना है ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए कोई भी, क्योंकि ये ऐसी जमीन है जहाँ पर चट्टाने हैं, पत्थर हैं, मिट्टी है और इधर से यहाँ पर खुदाई करना अपने आप में बहुत ही बड़ा मशक्कत भरा काम था जिसमें मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा था, सारी दिक्कतें, लेकिन उसके बावजूद भी ये मिशन कामयाब होता हुआ दिख रहा है क्योंकि राहुल भी सुरक्षित है।